अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे फुल चिकन रोस्ट ओवन में। इसके लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन के लिए हम एक बॉल लेंगे और इसमें सफ़ेद सरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, चिली सॉस हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, सोया सॉस हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर या फिर गार्लिक पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सूखी मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, अदरक का पाउडर या फिर अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ऑनियन पाउडर। अगर आपके पास ऑनियन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑनियन का पेस्ट भी यूज़ कर सकती हैं, यानी कि प्याज का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप पाउडर यूज़ करना चाहती हैं तो पाउडर आप 1/2 टेबलस्पून यूज़ करेंगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें तिक्का बोटी मसाला शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है। इसकी जगह आप इसमें कोई सा भी मीट मसाला यूज़ कर सकती हैं। तिक्का बोटी मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के, और इसके अलावा हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, यानी कि तेल 2 टेबलस्पून। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें यहाँ पे नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि जो टिक्का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। अगर आप नमक ऐड करना चाहती हैं तो आप ऐड कर सकती हैं। अब हम चिकन लेंगे, चिकन को अच्छे से हम ड्राई करेंगे। चिकन आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ा आप ना लें, दरमियाने साइज़ का या फिर छोटा चिकन ही आप लें, और इस तरह करके डीप कट्स आप लगा लें अंदर से भी और बाहर से भी। ये सारा मैं कट्स लगा चुकी हूँ। अब हम इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगाएंगे, अच्छे से इसके कट्स के अंदर। इस तरह ये आप देख सकती हैं कि इस तरह मैं मसाला लगा रही हूँ, कट्स के अंदर भी मैं लगा रही हूँ, और चिकन को अंदर से भी हम मसाले से कोट करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन बहुत ही अच्छे से मेरीनेट होगा और अंदर तक इसका टेस्ट आएगा मसाले का। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे कम से कम 6 घंटों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए आप इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। चिकन के जो लेग पीस हैं, इस तरह करके हम इसे बांध लेंगे किसी धागे की मदद से, और जो इसके विंग्स हैं इसे हम टूथपिक्स की मदद से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह करके ये टाइट हो चुका है। मैं इसे चूँकि यहाँ पे ओवन में रोस्ट करूँगी, रोस्टर में, तो इसलिए मैं इसको पहले ग्रिल में लगाऊँगी। ये जो ग्रिलिंग इसका रैक होता है, इस तरह करके ये रॉड है, ये ऊपर से मैंने इसमें टाइट कर लिया है और नीचे से भी इसमें हम टाइट कर लेंगे। अच्छे से टाइट हम इसे कर लेंगे और इसके बाद हम इसे ओवन में ग्रिल करेंगे। ओवन को आप पहले से प्रीहीट कर लें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये अच्छे से सिक्योर हो गया है। अब हम इसे इस तरह करके उठाएंगे और ओवन में रख कर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रोस्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरह करके अगर आपके पास ओवन है तो आप इसी तरह इसे रोस्ट कर लें 1 घंटे के लिए, बहुत ही हेल्दी बनेगा। और ये हमारा रोस्ट तैयार है। इसके ऊपर आप लेमन जूस डाल सकती हैं, इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल सकती हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन रोस्ट तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।